ये देखिए कालेसेल बांध से हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव एवं एक्सक्लूसिव तस्वीर। भराव क्षमता पूर्ण हो चुकी है और इस चादर चल चुकी है। इस चादर का दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए। सुबह 5 बजे से चादर चल रही है, रात का तो पता नहीं। रात में भी हम आपको दिखा देते लाइव, लेकिन रात में अंधेरा था। बांध पूरा भर चुका है और इसकी जो दीवार है, सुरक्षा दीवार, इस पे हम चल के बता रहे हैं आपको। और ये देखिए काफ़ी डर लगता है इसमें। ये देखिए बांध छलक चुका है, दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया है, उस साइड से भी दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इस साइड से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बांध का विहंगम दृश्य तो हम आपको दिखाते जा रहे हैं कल से। ये देखिए काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं। ये देखिए बच्चे भराव क्षमता में होके निकल के जा रहे हैं बगल बगल से। कहाँ जा रहे हैं बच्चे उधर? गांव इधर है, गांव आपका? सड़क नहीं है उधर जाने के लिए? कौन सी गांव से पढ़ के आ रहे हो तुम लोग? बंगला की। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो किससे आते हो फिर वहाँ से? किस साधन से आते हो? पैदल ही? सपोटरा से? बस से आते हो, पैदल आते हो। कितने किलोमीटर दूर है आप गाँव यहाँ से? 3-4। वहाँ से बस नहीं है उसमें उधर? उससे वो स्कूल नहीं है वहाँ? कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक हमारे गाँव में। 8वीं तक है? और कितने गाँव है वहाँ? आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? हैं? बाजने अलग है तुम्हारी? अलग अलग डोंगरियों के अलग अलग ग्राम पंचायत हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है ना? है। सपोर्टर जाना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए? हम तो यार गंगापुर सिटी के हैं यार। डांग क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी है यहाँ पर। डांग विकास बोर्ड द्वारा यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फैकल्टी उपलब्ध करवानी चाहिए। सुबह कितने बजे चल रही है चादर ये? कितने बजे चल रही है सुबह? कल तेज चलने लग जाएगी, पानी ज्यादा आ जाएगा तो। चलो ठीक है, बढ़िया। तुम भी पढ़ के आया बेटा? कहाँ पे हैं? ये देखिए यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब है। यहाँ पढ़ने के लिए भी 10-10, 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री भी नदी पार के करके जाते थे पढ़ाई करने के लिए। प्रधानमंत्री बने देश के, डांग क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो भी
स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है तो संविधान के महत्व को समझना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए।